एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ श्वेता। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आज मैं आपके सामने एक प्रोडक्ट का रिव्यू करने जा रही हूँ जो कि है न्यूली लॉन्च लॉरियल पैरिस क्रिस्टल माइक्रो एसेंस सीट मास्क। जी हाँ, इसके पहले मैंने आपको एक एसेंस के बारे में बताया था जो कि लॉरियल पैरिस का ही था, क्रिस्टल माइक्रो एसेंस। मैंने आपको आज से 5-6 महीने पहले एक अपना वीडियो शेयर किया था और फिर उसके बाद मैंने अपना 3 मंथ्स का एक्सपीरियंस भी शेयर किया था। तो वो मैं यूज़ कर रही थी और वो तब मैं मुंबई में थी। उस समय मैंने इसको यूज़ किया, मुझे बहुत अच्छा उसका रिजल्ट लगा और वो ख़त्म हो गया था। फिर मैं आ गई अपने इधर होम टाउन, तो मैंने यहाँ पे एक छोटी बॉटल ली है। अब हम बात करने वाले हैं आज के शीट मास्क के बारे में। जी हाँ, ये भी है लॉरियल पैरिस का रिवाइटल क्रिस्टल माइक्रो एसेंस शीट मास्क। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूँ, शीट मास्क जो होते हैं वो हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छे होते हैं। ये जो शीट मास्क है, ये आप इसको जब अप्लाई करेंगे तो ये आपकी स्किन के 10 लेयर तक अंदर तक जाएगा और आपकी स्किन को सॉफ्ट, ग्लोइंग और रेडिएंट बनाएगा। और इसकी सबसे अच्छी खासियत ये बात है कि ये 48 आवर्स तक आपकी स्किन में इसका हाइड्रेशन रहता है, मतलब 48 आवर्स तक आपकी स्किन एकदम हाइड्रेट रहेगी, ग्लोइंग रहेगी। तो ये काफ़ी अच्छी बात है इस शीट मास्क की। आप इस समय मेरे फेस पे देख रहे होंगे, आपको एक नेचुरल ग्लो दिख रहा होगा। मैंने कोई हाइलाइटर यूज़ नहीं कर रखा है, तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छा ग्लो आता है। तो मैंने इसको अप्लाई किया है। चलिए अब देख लेते हैं कि इसको किस तरह से अप्लाई करना है। तो यहाँ देखिए, कुछ इस तरह से इसकी पैकेजिंग है। ये इस तरह से है और इसका जो सिंगल प्राइस है वो 150 रुपीज़ है, मतलब एक शीट मास्क जो है वो 150 रुपीज़ का है। तो बस मुझे इस तरह से इसको ओपन कर लेना है। आपको अपने फेस को अच्छे से धुल लेना है, मतलब वॉश कर लेना है, कुछ भी फेस पे नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से आपको अपने फेस पे इसको अप्लाई कर लेना है और जो इसमें एसेंस लगा हुआ है वो आपके फेस को इतना, मतलब एकदम मिरेकल करने वाला है, जादुई आपको असर दिखाई देगा। सिर्फ 15 मिनट में, आप जब इसको 15 मिनट बाद हटाएंगे तो आप देखेंगे कि आपके फेस में कितना ज़्यादा डिफरेंस आपको फील होगा। और इसकी फ्रेग्रेंस जो है वो बहुत अच्छी है। तो आपको कुछ इस तरह से अपने फेस पे धीरे धीरे करके इसको अप्लाई कर लेना है। तो देखिए, मैंने इसको अप्लाई कर लिया है और आपको देखने में ही ये कितना थिन दिखाई दे रहा होगा। बहुत ही थिन है, लाइट वेट है और ये ब्रीथेबल है। तो अभी जब मैं ये शीट मास्क अप्लाई कर रही हूँ तो जो इसकी फिलिंग है वो मुझे एकदम सॉफ्ट कॉटन की तरह फील हो रही है। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, लाइट वेट है। तो मैं इसको अच्छे से अप्लाई कर ले रही हूँ और जो इसका एसेंस है वो मैं अपने फेस पे अच्छे से उसको रब कर ले रही हूँ, क्योंकि एसेंस जो है वो वही आपके फेस पे एकदम जादुई काम करने वाला है। तो इसमें देखिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा था, मैंने सोचा पैकेट में क्यों वेस्ट जाए, उसको भी अपने फेस पे अप्लाई कर लेती हूँ। और इसकी फ्रेग्रेंस मैंने आपको बताया काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो इसको फेस पे अप्लाई करने के बाद हमें फेस पे 15 मिनट तक इसको लगाए रखना है। वो आपकी स्किन के 10 लेयर के अंदर तक पेनिट्रेट होगा और आपकी स्किन को अंदर से रिपेयर करेगा। तो 15 मिनट इसको रेस्ट देने के लिए अब थोड़ा सा नेल पेंट लगा लेते हैं और थोड़ा जब तक टाइम भी हो जाएगा तब तक अपने आप को थोड़ा पैम्पर कर लेते हैं। तो अभी 15 मिनट हो रहे हैं और अब मैं 15 मिनट के बाद अपने जो शीट मास्क को हटाऊंगी, तो अब आप देखिएगा कि आपको कैसा इसका रिज़ल्ट दिखता है। और सच बताऊं, मैं बहुत एक्साइटेड थी इस शीट मास्क को यूज़ करने के लिए। तो देखिए, अब मैं अपने शीट मास्क को हटा रही हूं। तो वाओ, OMG, अब आपको देख के कैसा लग रहा है मेरे को बताइएगा। तो यहाँ पे आप बिफ़ोर और आफ्टर में डिफरेंस देख सकते हैं कि पहले मेरी स्किन कैसी लग रही थी और अब कितनी ज़्यादा ग्लोइंग हो गई है। तो 15 मिनट हो चुके हैं, अब मैं इसे 5 से 7 मिनट अच्छे से मसाज कर लूँगी, जिससे जितना भी एसेंस है वो हमारे फेस पर अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगा और हमारी स्किन के अंदर तक जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बोला, ये 10 लेयर के अंदर तक जाएगा और आपकी स्किन को अंदर से रेडिएंट, ग्लोइंग और ग्लो आपको प्रोवाइड करेगा। तो ये जो लॉरियल पैरिस रिवाइटल लिफ्ट क्रिस्टल माइक्रो एसेंस शीट मास्क है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा है। इसको फर्स्ट टाइम अप्लाई किया है तो आपके सामने इसका जो रिज़ल्ट है वो मैं शेयर कर रही हूँ। तो देख लीजिए आप भी, इस तरह से आपको अपने फेस पे इसको मसाज करना है, बहुत ही हल्के हाथों से करना है। मैंने तो वीडियो फास्ट फॉरवर्ड कर दी है। अगर आप भी
भी चाहते हैं अपनी स्किन को ग्लोइंग और रेडिएंट बनाना और सॉफ्ट बनाना, तो सिर्फ आपको दो स्टेप फॉलो करने होंगे, जिसके लिए आप पहले मॉर्निंग में इस एसेंस को अपने फेस पे अप्लाई कर सकते हैं जब आप नहा करके शावर लेकर के आते हैं। उसके बाद बेयर फेस पे आप इसको अप्लाई करिए, फिर आप देन इवनिंग में आप अप्लाई कर सकते हैं ये शीट मास्क, जो कि मैं भी करती हूँ। देन आपको शीट मास्क हटाने के बाद फिर से आपको ये लॉरियल पेरिस क्रिस्टल माइक्रो एसेंस की कुछ 5-4 ड्रॉप्स लेनी है और इस तरह से अपने हाथ में लेकर के अपने फेस पे डैब डैब करके लगा लेना है, जिससे आपकी स्किन और ज्यादा हाइड्रेटेड हो जाएगी। तो मैंने आपके सामने लाइव रिजल्ट दिखा दिया है कि ये किस तरह से वर्क करता है। आप इस शीट मास्क को हफ्ते में 2-3 बार यूज कर सकते हैं। इसका जो प्राइस है वो 150 रुपीज है और ये ऑल स्किन टाइप है, तो आप किसी भी स्किन टाइप के हैं तो आप इसको आराम से यूज कर सकते हैं। तो ट्रस्ट मी गाइज, अगर आप मुझ पर ट्रस्ट करते हैं तो आप ये प्रोडक्ट जरूर परचेज कर सकते हैं। अगर आप भी अपनी स्किन को हेल्दी, ग्लोइंग और रेडियंट बनाना चाहते हैं, इससे आपकी स्किन बहुत ही अच्छी हो जाएगी, और तो अगर आप चाहते हैं तो आप इसे परचेज कर सकते हैं। तो मैं इसके लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो वहां से आप परचेज कर सकते हैं। आपको ये अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, और मेरे चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।